कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हम ठीक क्यों नहीं हो रहे, एक सवाल आता है, हर सवाल का कोई ना कोई जवाब मिल जाए तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें तो इंसान जब बीमार पड़ता है तो दो ही तरीके से बीमार पड़ता है। सिंप्लीफाई जितना करेंगे, जितना उसको आसान बना देंगे, उतना ही अचीव करना आसान हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। बीमारियों के नाम अगर गिनने से शुरू करें तो करीब 8,500 या उससे अधिक बीमारियां होंगी अगर सारे नाम गिनेंगे तो। लेकिन बीमार पड़ने के तरीके अगर आप सोचें तो दो ही तरीके बीमार पड़ने के। बॉडी में जैसा आप जानते हैं, अभी बातचीत कर रहे थे, प्रोटीन है, कैल्शियम है या मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, कुछ हार्मोन्स हैं, उनमें से कुछ अगर कम होगा, कुछ अगर ज़्यादा होगा तो उससे हम बीमार पड़ते हैं। कौन सा वाला हार्मोन कम हो गया, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, पोटेशियम कहाँ से मिलेगा, सोडियम कैसे बढ़ाएंगे या घटाएंगे, इन सारे कन्फ्यूजन में फंसेंगे तो कभी भी जवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप बीमार हैं तो कोई ना कोई इन्हीं में से बॉडी में न्यूट्रिशन है वो कम या ज़्यादा हो गया, इतना से समझ लें तो भी काम आसान हो जाएगा। अब वो कौन सा वाला है, कैसे उसको बढ़ाना है, कैसे उसको घटाना है, इस चक्करों में ना पड़ के सिर्फ द काइंड ऑफ डाइट जो हम एडवाइस करते हैं, जो भी यहाँ पे ले रहे हैं, विच वी कॉल एज अ DIP डाइट, एक बैलेंस डाइट, फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल जिसमें होता है, जैसे आप उसको लेना शुरू करते हैं, हमने ये देखा है पिछले 10 सालों में, पेशेंट अपने आप ही रिकवर करता है। तो रिकवर कैसे कर रहे हैं, एक्चुअली आपके बॉडी में क्या कम है हमें नहीं पता, वो जो आप रिपोर्ट निकालते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उन पर भी मैं अभी आऊँगा, वो रिपोर्ट कितना रिलायबल है उस पर भी मैं आऊँगा, बट वो रिपोर्ट से आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि वो रिपोर्ट एक इंसान ने बनाई है और आपके अंदर की कॉम्प्लिकेशंस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा है तो वो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन से कई गुना ज़्यादा वास्ट है। तो कोई अगर सोचे कि मेरे ब्लड रिपोर्ट देख के बता देंगे कि मेरे अंदर क्या है, आपको मान लो सिर दर्द है, कोई ऐसा दुनिया में टेक्निक है, कोई ऐसा डायग्नोस्टिक है जो बता दे कि आपको सिर दर्द है या नहीं है, कौन बताएगा, वो आप खुद ही तो बताते हैं कि मुझे दर्द कर रहा है। तो कोई भी अगर आपको दिक्कत है, सबसे पहले कोई रिपोर्ट नहीं बताएगी, आप खुद ही बता सकते हैं। तो दिक्कत अगर है तो इसका मतलब बॉडी में कुछ कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। तो उसको बैलेंस कैसे करना है, द काइंड ऑफ डाइट जो आपने स्टार्ट किया, इस डाइट से अक्सर बैलेंस हो जाता है। तो आप में से जब किसी का फ़ोन आता ऑफिस में कि हमें हिम्स में एडमिट होना है, तो मैं सबसे पहले हमारी टीम को यही बोला है कि पहले तो उनको बोलो कि इस डाइट पर रहे, वो डाइट DIP डाइट आप सबको ऑलरेडी पता भी है, हमारे कई सारे बहुत सारे YouTube चैनल्स में, बुक्स वगैरह में है भी, और नहीं तो हम एक वीडियो भेज देते हैं। पहले तो आप इस पे रहो, कम से कम हफ्ता दो हफ्ता रहो, और अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता तब हम बात करेंगे आगे। तो 95% पेशेंट उसके बाद बोलते हैं कि आराम मिल गया, ब्लड शुगर नॉर्मलाइज हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो गया, जो तकलीफें थी पेन कम होने लगा। तो 90-95% जितनी भी सारी तकलीफें होती हैं इंसानियत को, उनमें हमने देखा है कि द मोमेंट दे चेंज द डाइट, द काइंड ऑफ डाइट जो हम एडवाइस करते हैं, जो यहाँ पे आप ले रहे हैं, तो उनका वहीं पे उनका इलाज हो जाता है। तो उस डाइट को लेने के लिए यहाँ तक आने की तो कोई आवश्यकता है, किसी भी हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज वो सारी चीज़ें हर जगह मिलती हैं। और वो डाइट तो हमेशा ही लेना है ना, सिर्फ 7 दिन 10 दिन 15 दिन तो लेना नहीं है, तो हमेशा ही लेना है, बिकॉज हमेशा ही हम ठीक रहना चाहते हैं। अभी जो बात चल रही थी कि भाई प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, देखिए इस प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, तो देखिए बाल जो ना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो बाल काट के फेंकते ही क्यों हैं, उसको घोट के पी नहीं क्यों जाते हैं, पी जाना चाहिए ना, क्योंकि वो बाल में प्रोटीन तो है लेकिन वो इस फॉर्म में है कि बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, वैसे के वैसे ही निकल जाएगा बॉडी से। तो ये हम भी समझते हैं, हर जानवर समझता है, इसीलिए उसको काट के फेंक देते हैं, हम कभी खाते नहीं। जानवर भी अगर किसी का शिकार करता तो वो बाल को नहीं खा लेता है ना। तो किसी भी चीज में न्यूट्रिशन ज्यादा होने का मतलब वो ज्यादा अच्छा है ऐसा जरूरी तो नहीं है। नाखून आप काटते हैं, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, अभी था क्या करें हम, तो नाखून खा लीजिए, सबसे ज्यादा कैल्शियम इसी में होता है। तो लेकिन क्यों नहीं खाते, क्योंकि जानवर भी नहीं खाते, शिकार करने के बाद नाखून को भी छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो उसमें कैल्शियम है दैट इज, और उसमें जो न्यूट्रिशन है उसमें, बट इट इज नॉट इन डाइजेस्टेबल फॉर्म, बॉडी से हजम ही नहीं कर पाएगी, निकाल ही देगी, तो इसीलिए कोई नहीं लेता है। अभी आप पूछ रहे थे कार्ब कहाँ से मिलेगा, पूछ रहे थे ना, तो कार्ब अगर आपको इतना चाहिए तो दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ब तो इस लकड़ी में, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, इस लकड़ी को पाउडर बना के घोल के पी जाइए, कोई भी नहीं खाता, कोई भी नहीं पीता है, क्यों, क्योंकि ये आपके बॉडी में एब्जॉर्बेबल नहीं है, बॉडी इसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, तो बॉडी ऐसे कैसे निकाल देगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ज्यादा सबसे ज्यादा कार्ब राइट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज्यादा कार्ब कहाँ पे है।
एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पे है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पे है, दैट शुड बी द राइट क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर आप बोलते हैं सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ, मुझे बता दो, मैं वही लूंगा, मैं बोलूंगा नाखून खा लो फिर। लेकिन आपका सवाल अगर ऐसा होगा, सबसे ज्यादा कैल्शियम कहाँ पे है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो मुझे बताओ, तो मैं बोलूंगा पत्ते खा लो या वेजिटेबल खा लो जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं। सबसे ज्यादा कार्ब कहां पे है एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सके, वो है फ्रूट्स में जो आप ऑलरेडी खा रहे हैं, है ना। सो जैसे सबसे ज्यादा प्रोटीन एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, तो वो स्प्राउट्स में जो आप इंक्लूड कर सकते हैं, नट्स में। तो बोलने का मतलब यह है कि आप अपना जो जो सवाल पूछने का जो डेफिनेशन जो तरीका वो थोड़ा बदल देंगे तो आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। तो मैंने ये देखा है कि जो डाइट हमने आपको बताया डीआईपी डाइट काइंड ऑफ डाइट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये पहली बात तो इसमें एब्जॉर्बेबल फॉर्म में सारा कुछ वैसा है क्या जो मुझे चाहिए, ये भी एक सवाल हो सकता है। उसका सबसे आसान तरीका है आप उसको एक हफ्ता लेंगे और अगर आप ठीक हो तो चले गए, इसका मतलब इसमें सब कुछ है। ज्यादातर लोग ठीक हो रहे हैं उससे, इसमें सब कुछ है, दैट इज द बेस्ट डेफिनेशन। उसको लेके लैब में जाके चेक करना एक तरीका तो वो होता है, दूसरा तरीका ये है कि हम उसको ले रहे हैं और हमें एकदम से फायदा होना शुरू हो गया। मान लो जिसको घुटने का दर्द है और वो घटना शुरू हो गया, तो समझ लीजिए कि ये मेरे लिए काम कर रहा है। तो कोई भी पैथी या कोई भी सिस्टम आप पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका एक तरीका या मुझे लगता है बेस्ट तरीका कि क्या आपको आराम मिल रहा है, आराम मिल रहा है, ये सवाल पूछना जरूरी है। एक तरीका है बीमार पड़ने का, दूसरा तरीका है, पहला तरीका तो ये था कि बॉडी में कोई चीज कम या ज्यादा होना, वो क्या कम हो गया क्या ज्यादा हो गया, वो उसमें ना पढ़ के सीधा आपने डाइट स्टार्ट कर दिया। ये तो यूनिवर्सल डाइट है, कोई भी बच्चा बड़ा स्टार्ट कर सकता है। ऐसे ही हम करते हैं, हमारे पास जब फोन आते हैं हम सीधा यहाँ पे हिम्स में नहीं एडमिट कराते, राइट, उतनी जगह भी नहीं आप देख ही रहे तो, और घर पे वो ठीक ही हो सकता है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जिनको दूसरी तरह से बीमार पड़ सकते हैं, वो है बॉडी में कुछ चीजों का जमा होते रहना, फ्लूइड एक्युमुलेशन या मिनरल ओवर एक्युमुलेशन, जैसे स्टोन बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, या किडनी के पेशेंट को पानी जम जाता है पूरे एक्युमुलेशन। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी चीज एक्स्ट्रा बॉडी में जमा होगी, वो क्रिएटिनिन हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, शुगर हो सकता है, वो पानी हो सकता है, जो भी चीज एक्स्ट्रा बॉडी में आ रही है, ये सारी चीज खराब नहीं है। क्रिएटिनिन कोई खराब चीज बोले, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, एक लेवल में सारी चीजों का अपना अपना रोल है। लेकिन अधिक हो गया, पानी खराब नहीं है लेकिन पानी जमा होने लगा तो खराब है। तो कोई भी चीज बॉडी के अंदर खराब नहीं, लेकिन एक लेवल से ज्यादा हो गया, एक जगह से अलग जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे हुआ, तो ही वो बॉडी में तकलीफ करेगी। जब कोई चीज बॉडी में इकट्ठा होने लगती है, एक्युमुलेशन जिसे बोलते हैं, इससे हमें तकलीफ होती है, तो वही बीमारी है। हमारे तकलीफ किडनी फेलियर नहीं है इन रियल से, हमारी तकलीफ है कि देखो पैरों में सूजन है, मैं तो चल ही नहीं पा रहा, तकलीफ ये हुई ना। तो तकलीफ को कैसे दूर करें, दूसरा तरीका, जो भी चीज बॉडी में फालतू है, अब वो कौन सी चीज है और कितना है ये कौन डिसाइड करेगा। अच्छा तकलीफ है कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, तो आप खुद डिसाइड करेंगे ना। आप ही ने बताया कि मुझे तकलीफ है, मुझे बॉडी में यहाँ यहाँ पेन है, तो किसने डिसाइड किया, आपने डिसाइड किया। अब ये जो है इसकी, इसका मतलब हो सकता है कुछ चीजें फालतू हो बॉडी में। अब वो कौन सा फालतू है, वो क्रिएटिनिन है कि यूरिया है कि यूरिक एसिड है कि पोटेशियम है, ये कौन डिसाइड करेगा। एक तरीका तो लैब का रिजल्ट डिसाइड करेगी, राइट, तो इसका मतलब जितना फालतू है उस लैब के रिपोर्ट के हिसाब से उतना उतना निकालना पड़ेगा ना बाहर। तो उतना कोई ऐसा तराजू है क्या कि क्रिएटिनिन 2 ग्राम निकाल दिया बॉडी से, ऐसा तो कोई तराजू है नहीं हमारे पास, तो कैसे निकलेगा वो एग्जैक्टली। उतना ज्यादा निकाल देंगे तो भी तकलीफ है ना, कम निकालेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्ट उतना ही कैसे निकलेगा जितने से हमारा हेल्थ ठीक हो जाए। उसका एक तरीका जो इस हॉस्पिटल में करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट वाटर इमर्शन। गर्म पानी के टब में जब बैठते हैं तो न जाने क्या सेटिंग करती भाई गॉडली, कि पानी और बॉडी में जो हमारे पोर्स है उसमें से एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा पोटेशियम, एक्स्ट्रा शुगर, जो भी चीज फालतू है वो धीरे 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 ये एक्स्ट्रा फ्लूड वो उस रास्ते निकलने लगता है। लेकिन आपने अपने आप को स्थिति में रखा, आपने हॉट वाटर इमर्शन किया, आप में से कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो उससे वो, लेकिन एक दिन में नहीं निकलेगा वो, क्योंकि एक दिन में जमा भी तो नहीं हुआ, जमा तो सालों सालों में किया ना आपने, तो इसी और वो इसीलिए दैट कैन बी अ परमानेंट पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। यहाँ से जाने के बाद भी आपने एक टब बनाया, बनाते हैं हमारे बहुत सारे पेशेंट, हजारों में पेशेंट्स हैं जो घर पे बनाते हैं, गरीब से गरीब ही बना लेते हैं। बनाने के टेक्निक्स वगैरह आपने शेयर किए, वीडियोज वगैरह, हाँ, तो वो बन सकता है। तो बॉडी दो ही तरह से बीमार इंसान पड़ेगा, मैंने बताया पहला और दूसरा, कि बॉडी में एक्युमुलेशन ऑफ थिंग्स इन एक्स्ट्रा, तो उसको निकालने के दो रास्ते, एक ही रास्ता है हॉट वाटर इमर्शन तरीके,
जो कि बड़ा सस्ता सेफेस्ट सेफ है राइट, और दैट इज अ परमानेंट इलाज, एक बार निकल गया और दोबारा वैसा एक्स्ट्रा जाए ना बॉडी में, उसके लिए क्या किया आपने, वो चीजें जो बॉडी के लिए एब्जॉर्बेबल नहीं है, जो बॉडी जिससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उस तरह के फूड को आपने खाना बंद कर दिया है ना। जैसे मान लो मुझे पता है कि बाल है ये बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन खाता रहा तो बॉडी क्या करेगी, एक्युमुलेशन में फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब अगर आपके बॉडी में इतनी सारी चीजें एक्युमुलेट होती रही हैं, चाहे एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, यूरिया एसिड, फ्लूड वगैरह, इसका मतलब आप जो भी खा रहे थे अब तक वो ठीक नहीं होगा ना, और इसका मतलब वो दोबारा खाने लगेंगे तो दोबारा से वही स्टेज आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं दो ही रूप से आप अगर बीमार पड़ सकते हैं, इस मतलब बीमारी से निकलने के भी दो ही तरीके हैं, चेंज योर डाइट विच यू हैव चेंज्ड, एंड अगर एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन है जैसे किडनी पेशेंट्स हैं तो उनको हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी। हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी एक दिन में बड़ी तेजी से निकाल देगा ऐसा नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट है दैट इज द सेफेस्ट वे, क्योंकि वो उतना ही निकालेगा जितना आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, दैट एक्स्ट्रा पोर्शन ही धीरे धीरे निकलेगा। जबकि जो डायलिसिस होता है उसको नहीं पता, वो तो एक मशीन है, वो उठा के आपको जैसे एक सक कर लेता है सब कुछ राइट। तो हमारा इरादा किसी आंकड़े को बढ़ाना घटाना नहीं है, हमारा इरादा सिर्फ एक है कि हम कंफर्टेबल हो जाएं, हमें जो तकलीफ है, तकलीफ और बीमारी दो अलग चीजें हैं, हमारी तकलीफ कम करनी है, हमें जो दर्द था वो कम करना है, एनर्जी कम था तो उसको बढ़ाना है ना। जब आप आंकड़ों में फंसेंगे तो आप आंकड़े ठीक करने लग जाते हो, आंकड़ों का ठीक होना और आपका ठीक होना दो अलग बातें हैं। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।